डियर स्टूडेंट्स, पिछले टर्म पे आपको दो क्वेश्चन करवाए थे डेल निकालने के। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, मान याद कीजिए डेल टेन ए एच प्लस बी जब एच का मान एक है। जब एच का मान कितना? एक। तो टेन ए एच प्लस बी है, इसको अपन एफ एक्स ले लेंगे। एफ एक्स इक्वल टू टेन ए एच प्लस बी। अब क्या करेंगे, एक्स की जगह एच प्लस एच, एच की जगह अपने पास वन है, तो x प्लस एच रखेंगे x की जगह। तो यह आ जाएगा एफ एक्स प्लस एच इक्वल टू टेन ए एच प्लस वन प्लस बी। एच का मान कितना? एक। डेल एफ एक्स इक्वल टू एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स होता है, एच बराबर एक है, एच का मान आपका यहाँ पर एक है। तो ये आ जाएगा एफ एक्स प्लस वन माइनस एफ एक्स। तो डेल टेन ए एक्स प्लस बी इक्वल टू टेन ए एक्स प्लस वन प्लस बी माइनस टेन ए एक्स प्लस बी। अब अपन क्या करेंगे, टेन को साइन थीटा बटा कोस थीटा के रूप में लिखेंगे। तो आ जाएगा साइन ए एक्स प्लस ए प्लस बी अपॉन कोस ए एक्स प्लस ए प्लस बी माइनस साइन ए एक्स प्लस बी कोस ए एक्स प्लस बी। ए एक्स प्लस बी है तो यहाँ पर भी अपन क्या करेंगे, इसको क्रम चेंज करके ए एक्स प्लस बी और ए को अलग लिख देंगे, नीचे भी ए एक्स प्लस बी और ए अलग लिख देंगे। एलसीएम लेंगे, एलसीएम लेने पर आपके पास कोस ए एक्स प्लस बी प्लस ए कोस ए एक्स प्लस बी, ये एलसीएम आ जाएगा। और ये आ जाएगा डेल टेन ए एक्स प्लस बी का मान साइन ए एक्स प्लस बी प्लस ए कोस ए एक्स प्लस बी माइनस कोस ए एक्स प्लस बी प्लस ए साइन ए एक्स प्लस बी डिवाइडेड बाई कोस ए एक्स प्लस बी प्लस ए कोस ए एक्स प्लस बी। तो ऊपर आप देख रहे हैं कि साइन ए एक्स प्लस बी प्लस ए कोस ए एक्स प्लस बी और अगेन कोस ए एक्स प्लस बी प्लस ए साइन ए एक्स प्लस बी। तो ये आपका बन जाता है साइन ए माइनस बी। ए की जगह आपके पास है ए एक्स प्लस बी प्लस ए, बी की जगह है ए एक्स प्लस बी। ये ए है और ये कितना है? बी। तो साइन ए एक्स माइनस बी, क्योंकि अपन जानते हैं कि साइन ए एक्स माइनस बी इक्वल टू साइन ए एक्स कोस बी माइनस कोस ए साइन बी होता है। तो ये आ जाएगा साइन ए एक्स प्लस बी प्लस ए माइनस साइन ए एक्स प्लस बी डिवाइडेड बाई कोस ए एक्स प्लस बी प्लस ए कोस ए एक्स प्लस बी। इसको आप सिंप्लीफाई करेंगे तो ए एक्स प्लस बी कैंसिल हो जाएगा, केवल साइन ए बच जाएगा। तो इस तरह से अपन टेन ए एक्स प्लस बी का डेल निकालेंगे। यह आ जाएगा साइन ए अपॉन कोस ए एक्स प्लस बी प्लस ए कोस ए एक्स प्लस बी। यहाँ ध्यान रहे कि एच की का मान कितना है? एक। तो ये तो फॉर्मूला था, इस फॉर्मूले के अंदर एच की जगह अपन बंद रखेंगे। नेक्स्ट एक क्वेश्चन और कर लेते हैं। आपको डेल निकालना है वन अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस फाइव एक्स प्लस सिक्स, एच का मान वन है। तो अपन क्या करेंगे, इसका डेल निकालना है तो इसको एफ एक्स नाम दे देंगे। एफ एक्स इक्वल टू वन अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस फाइव एक्स प्लस सिक्स। अब क्योंकि अपन जानते हैं कि डेल एफ एक्स इक्वल टू एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स होता है, जहाँ एच का मान आपका एक है, एच का मान एक है। तो यदि अपन इसको बिना सिंप्लीफाई की इसके अंदर एक्स की जगह एक्स प्लस वन रखें और सिंप्लीफाई करने की कोशिश करें तो थोड़ा सा लंबा हो जाएगा। तो अपन क्या करेंगे, यहाँ एक्स स्क्वायर प्लस फाइव एक्स प्लस सिक्स है, इसके गुणनखंड कर लेंगे। ये आ जाएगा एक्स प्लस टू और एक्स प्लस थ्री का मल्टीप्लीकेशन। अब यहाँ पर एक्स की जगह एक्स प्लस वन रखेंगे, सिंप्लीफाई करने में ईजी रहेगा।
तो एफ एक्स प्लस वन इक्वल टू कितना आ जाएगा, एक्स की जगह एक्स प्लस वन रखना है तो ये एक्स प्लस वन प्लस टू और एक्स प्लस वन प्लस थ्री हो गया, इक्वल टू आ गया वन अपॉन एक्स प्लस थ्री और एक्स प्लस फोर। तो एफ एक्स प्लस वन इक्वल टू वन अपॉन एक्स प्लस थ्री एक्स प्लस फोर आ गया। अब अपन डेल एफ एक्स इक्वल टू एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स, जहाँ एच का मान एक है, इसके अंदर अपन ये वैल्यू रखेंगे तो ये रिजल्ट आ जाएगा डेल वन अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस फाइव एक्स प्लस सी इक्वल टू वन अपॉन एक्स प्लस थ्री और एक्स प्लस फोर का मल्टीप्लीकेशन माइनस वन अपॉन एक्स प्लस टू एक्स प्लस थ्री। एलसीएम ले लेंगे, यहाँ पर एलसीएम लेंगे तो अपने पास एलसीएम आ जाएगा एक्स प्लस टू एक्स प्लस थ्री एक्स प्लस फोर, और यहाँ पर आ जाएगा एक्स प्लस टू माइनस एक्स प्लस फोर। ये दोनों सिंप्लीफाई करेंगे तो माइनस टू। इस तरह से अपन डेल ऑफ वन अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस फाइव एक्स प्लस सी है, इसका डेल निकालें। तो ये ध्यान रखना है कि ये जो आपका एक्स स्क्वायर प्लस फाइव एक्स प्लस सी है, इसमें आप एक्स प्लस एच एच बराबर वन है उसका मान निकालने से पहले इसके गुणनखंड आपको करना है, ताकि सिंप्लीफाई करने में इजी रहे। तो इस तरह से अपन डेल ऑफ वन अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस फाइव एक्स प्लस सी का मान निकालेंगे, जो कि माइनस टू अपॉन एक्स प्लस टू एक्स प्लस थ्री एक्स प्लस फोर आएगा। थैंक्स।